से ही दीपावली मेरा फेवरेट त्यौहार रहा है। इस त्यौहार में जितना ज़्यादा काम होता है उससे ज़्यादा इसकी खुशी होती है मुझे आने की। पूरे साल इंतजार रहता है दीपावली के आने का। तो अभी धनतेरस वाले दिन जो भी मैं शॉपिंग करके लाई थी वो तो आपके साथ में शेयर की, लेकिन उसके साथ साथ पूजा का सामान और कुछ दिए भी लेकर के आई थी, जो कि रात को डिनर के बाद में मैंने यहाँ पर भिगाने के लिए रख दिए। इस बार मैं बहुत ढेर सारे दीपक लेकर के आई थी क्योंकि उन्हें पेंट भी करना था। अभी तुलसी विवाह भी आ रहा है तो सोचा कि कुछ तुलसी विवाह में भी काम में आ जाएंगे। तो रात को तो मैंने सारे दीपक भिगो करके रख दिए और सुबह को छोटी दीपावली वाले दिन मैंने सुबह सुबह पूरे घर की अंदर की और बाहर की सफाई की। उसके बाद में गेंदे के फूलों से आर्टिफिशियल फ्लावर्स की माला है पूरे घर को सजाया, होम एंट्रेंस को सजाया। अन्वेषा यहाँ पर छोटी सी रंगोली बना रही है क्योंकि बच्चों को शौक होता है, स्पेशली लड़कियों को इस त्यौहार पर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। तो अन्वेषा यहाँ पर रंगोली बना रही है और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सजावट की है आर्टिफिशियल फ्लावर्स की। बाकी इस वॉल को मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है, ये मेरा DIY है। यहाँ पर लड़ियाँ लगाई हैं और बाहर के साइड में भी ये गेंदे के फूलों की माला से सजाया है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी मैं यहाँ पर रंगोली भी बनाऊंगी जो आपके साथ में मैंने बहुत पहले शेयर की थी, फूलों की रंगोली के बॉर्डर और डिज़ाइन के आइडियाज़, तो उन्हीं में से कोई डिज़ाइन मैं यहाँ पर बनाऊंगी। और ये जो देख रहे हैं ना आप तुलसी का पौधा, ये मैंने इसके अंदर रेन लिली का प्लांट लगाया था। आप देख सकते हैं थोड़ा सा बल्ब लगा हुआ है और उसके अंदर ये खुद ब खुद निकल करके आ गया और इतना बड़ा हो गया है। तो मैंने इसको यहाँ होम एंट्रेंस पर रख दिया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखिए अन्वेषा तो यहाँ पर रंगोली बना रही है और मेरा होम एंट्रेंस तैयार हो गया दिवाली के लिए। बाहर से देखने पर कुछ इस तरीके से लग रहा है मेरा वाला फ्लोर और बहुत सुंदर लग रहा है। तो शाम का वक्त था, मैंने कुछ दीपक पेंट कर लिए थे क्योंकि लंच किया था, उसके बाद में घर के और छोटे मोटे काम किए, उसके बाद में ये कुछ दीपक मैंने पेंट किए। अब इतने दीपक पेंट करते करते हो गई थी शाम, क्योंकि सिंगल हैंडेड अगर आप कोई काम करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन काम जब ज़्यादा होता है तो उसके लिए समय की ज़रूरत होती ही है। तो मैंने देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे दीपक पेंट कर दिए और उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ अपने DIY भी निकाल करके रखे जो कि दीपावली के लिए मैंने स्पेशली बनाए थे। आप सबके साथ में शेयर कर चुकी हूँ ये सारे DIY, तो बस ये निकाल करके रखे हैं। पूजा के बाद में कुछ दीपक जलाने होते हैं छोटी दीपावली वाले दिन, वो मैंने यहाँ पर जला दिए हैं और मैंने लगभग 21-11 इस तरीके से जलाते हैं वो दीपक जला दिए, पूजा कर दी शाम की, डिनर प्रिपेयर कर दिया और उसके बाद में बाहर से ये देखिए इवनिंग के टाइम पर कुछ ऐसा लग रहा है। तो रात का डिनर करने के बाद में मैं फिर लग गई यहाँ पर अपने बचे हुए दीपक पेंट करने के लिए, क्योंकि त्योहारों पर ऐसा होता है कि बहुत सारे काम पैरेलल चलते हैं तभी आपका काम हो पाता है। और ये काम मैं बहुत पहले कर चुकी होती, लेकिन मेरे घर में जैसा कि आप सभी के साथ में शेयर किया था किचन का कुछ काम हो रहा था, जिसकी वजह से वो काम तो हो गया लेकिन मेरे जो काम पहले करने वाले थे वो पेंडिंग हो गए और वो आगे के लिए बढ़ गए। अब चूंकि जो किचन में मैंने काम करवाया था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, इस कारण से मुझे ये काम अब बाद में करने पड़ रहे हैं। फिलहाल ये देखिए ये कुछ दीपक मैंने पेंट किए हैं, एक्रेलिक पेंट से ही मैंने पेंट किए हैं। इनको रात भर के लिए धनतेरस वाले दिन मैंने भिगो करके रख दिया था, आज छोटी दीपावली वाले दिन मैंने दिन में इनको दिन भर धूप में रखा था और उसके बाद में इनको मैंने पेंट किया है। ये कुछ दीपक मैंने डिज़ाइन भी बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से पेंट किए हैं, कुछ डिज़ाइनर बनाए हैं। एक दीपक ये पिंक कलर का मैं मार्केट से लाई थी, लेकिन ये देखिए पीछे से कुछ इस तरीके से था और अंदर से भी खाली था, तो मैंने इसके अंदर स्वास्तिक बना दिया और पीछे से रेड कलर पेंट कर दिया। देखिए रात का 1:20 हो रहा है और लगभग 1:20 पर सब लोग सो गए, अन्वेषा भी सो गई है और मैं अपने सारे दीपक पेंट करके अब फ्री हुई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दीपावली पर काम करने से ज़्यादा मुझे इस त्यौहार की खुशी बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर
इस त्यौहार पर ऐसा होता है ना कि मैं अपने मन के सारे काम कर पाती हूँ, जैसे कि खूब सारी सजावट, दियों को रंगना और अपने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम जो कि मेरे दिल को बहुत खुशी देते हैं। तो ये देखिए, एक नई गुल्लक रखती हूँ, यहाँ पर कुछ मटकियाँ हैं, कुछ ये डिज़ाइनर दिए हैं जो मैंने खुद पेंट किए हैं। और हाँ, ये मटकियाँ तो मैं दीपावली पूजन में इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो आपको आगे बताऊँगी किस तरीके से करूँगी। ये देखिए, कुछ सुंदर सुंदर दीपक मैंने घर पर खुद ही तैयार किए हैं, और जो तुलसी वाले छोटे छोटे दीपक देख रहे हैं ना आप, वो मैं बाज़ार से लाई थी। आज है बड़ी दीपावली का दिन, तो बड़ी दीपावली वाले दिन भी बहुत सारे काम साथ में चल रहे हैं, जैसे कि मैंने मंदिर की चौकी सजाई है, थोड़ी बहुत अभी थोड़ी देर बाद सजाऊंगी। इधर कुकिंग भी कर रही हूँ, साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर रंगोली बनाने के लिए। और आज मैं ऐसी रंगोली बना रही हूँ जो लगभग 5 से 10 मिनट में बन जाएगी, क्योंकि दीपावली वाले दिन, जैसे कि मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस बार रोली से बनाए हैं इस तरीके से लक्ष्मी जी के चरण, यहाँ पर फूलों से थोड़ी सी सजावट की है और नीचे के साइड में सीढ़ियों के ऊपर भी की है। यहाँ पर मेरे प्लांट्स आ गए हैं, तो पूरे घर में मैंने इस तरीके से, ये देखिए, एक तो रंगोली मेरी तुलसी जी के पास में बन गई है, काफ़ी बड़ी रंगोली है ये, और इसके ऊपर मैंने अपना ये डिज़ाइनर रंगोली जो बनाई थी वो रख दी है। रंगोली का काम करने के बाद मैं वापस से आ गई मैं किचन में, और बना रही हूँ, आटा तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने आटे के अंदर नमक, अजवाइन, लाल मिर्ची डाली है और मैंने थोड़ा सा घी डाला है। साथ ही साथ डाला है मैंने आधा ग्लास दूध और थोड़ी सी मलाई डाल दी है, लगभग 2 चम्मच, और उसके अंदर डाली है मैंने लगभग 2 चम्मच भिगाई हुई कसूरी मेथी। इसको मैंने लगभग आधा घंटा भिगा करके रख दिया था, और इसको सारे मिक्सचर को मैं एक डो की तरह प्रिपेयर कर लूँगी। जो मुझे पानी की कमी महसूस होगी तो मैं पानी इसमें डाल करके एक डो तैयार कर लूँगी। तो ये बन गया मेरा मसाले वाली पूड़ी का आटा। यहाँ पर बनाए हैं मैंने डिनर के लिए छोले, और साथ ही साथ मैंने चावल भिगोए हैं। यहाँ पर ये देखिए, चावल मैंने कुछ भिगो करके रखे थे, उनको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया, और उसके बाद में डाली है इसमें थोड़ी सी हल्दी। हल्दी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में एक ये घोल बन करके तैयार हो गया है, और उससे मैं बनाऊंगी घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर ओम। तो ये बहुत शुभ होता है, और घर का मुख्य द्वार जो है या दरवाज़ा जो है आपका, वो बहुत सजा हुआ होना चाहिए लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए, तभी तो लक्ष्मी जी घर में आती हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से अपने हाथ से बनाए हुए जितने भी DIY थे उन्हीं से सजाया है। यहाँ पर दरवाजे के ऊपर 2 स्वास्तिक बनाए हैं, ऊपर के साइड में चावल के आटे, चावल को पीस करके उससे मैंने स्वास्तिक बनाए। रोली से दोनों तरफ चरण बनाए हैं, फूलों की सजावट की है यहाँ पर इस बार मैंने। और घर के अंदर जैसे ही मेन डोर से एंटर होते हैं ना, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी रंगोली शुभ दीपावली वाली अपने हाथ से बना करके तैयार कर दी है। पूजा में जो भी सामान इस्तेमाल होगा वो सभी मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रखा हुआ था कई दिन से, और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से चौकी लगाई है। पीछे से एक कार्डबोर्ड को मैंने इस लाल कलर के बांधनी के कपड़े से कवर करके इस तरीके से बैकड्रॉप बना दिया था, और यहाँ पर पूजा के लिए चौकी लगाई है, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया है। पूजा के लिए मैंने, देखिए, चावल को हल्दी से रंग करके मैंने यहाँ पर कलश स्थापना और जो अखंड दिया होता है उसके लिए मैंने स्थान बनाया है। जो मैंने मटकियाँ पेंट की थी उसके अंदर जो बाज़ार से हम धनतेरस वाले दिन धनिया खरीदते हैं वो धनिया रखा है, कुछ अनाज रखे हैं, और जो खील बताशे वगैरह हम लेके आते हैं वो सब रखे हैं। जो भी, देखिए, मैंने ऊपर के साइड में यहाँ पर थोड़ी सी लाइट लगा दी है। यहाँ पर खाने का भी तैयारी हो चुकी है, मैंने आटा गूंद दिया है, रायता बना दिया है, छोले मेरे बन गए हैं, यहाँ पर खीर भी बन चुकी है, मैं खीर बना रही हूँ शाम के लिए, और गोभी आलू की सब्ज़ी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है, गैस के ऊपर पक रही है, और जितनी देर में मेरी ये सब्ज़ी बन करके तैयार होगी, ऑलमोस्ट मेरे खाने का सामान पूरा कंप्लीट हो गया है। तब तक मैं यहाँ पर दियों में जो भी बत्तियाँ हैं वो लगा लूँगी, जो दियों में तेल भर के रखना है वो कर लूँगी। और जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ में शेयर किया था कि जब सिंगल हैंडेड सब कुछ
हैंडल करना होता है ना, तो उसके लिए आपको टाइम से पहले तैयारी करनी शुरू करनी पड़ती है। और ऐसा बहुत लंबे सालों से करती आ रही हूँ, काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ, इसी कारण से सारा काम चाहे मैं देर से ही क्यों ना शुरू करूँ लेकिन ख़त्म सब टाइम से हो जाता है। तो ये देखिए हमारे यहाँ इस तरीके से दिया में तेल डाल करके बत्ती तो डालते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हम खील खिलौने लेकर के आते हैं ना, तो उसमें से खील के दो दो दाने हर दिए में डाले जाते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपने पूजा का आसन मैंने किस तरीके से लगाया है। सभी भगवान जी के लिए मैंने पीले चावल का आसन लगाया है, यहाँ मटकियों में अनाज रखा है, ड्राई फ्रूट का भोग लगाया है, यहाँ पर तैयार करके रखा है, जो भी पैसे या ज्वेलरी सिक्के वगैरह होते हैं उनको रखते हैं, जो भोग में आपने तैयार किया है वो रखा है, यहाँ पर आरती की किताब है, लौंग, इलायची, दूर्बा, माता को जो पहनाने वाले हार हैं, नारियल है, आम के पत्ते हैं, और यहाँ पे धूप बत्ती, अगरबत्ती और जो भी रुई की बत्ती वगैरह हैं वो, साथ ही साथ माता के श्रृंगार का सामान भी मैं रखा है। और जो आपके नए बर्तन या जो भी नई चीज़ हम ख़रीदते हैं ना वो भी रखते हैं पूजा में हम लोग। और इस तरीके से देखिए जो आम का हमें पत्ते चाहिए वो इस तरीके के होने चाहिए कि टूटा हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए और सारे एक ही डाल के पत्ते होने चाहिए। यहाँ पर आम के पत्तों की बंधनवार मैंने मंदिर पर भी लगाई है, मंदिर के अंदर फूलों की माला और बाहर के साइड में लाइट लगाई है। अब मैं माता के लिए भोग तैयार कर रही हूँ, तो खाना तो मैंने अभी शाम को बना लिया था, फटाफट से जल्दी से मैं मसाले वाली पूड़ियाँ जो बनाई थी वो भी तैयार कर रही हूँ। तो पूड़ियाँ तैयार करने के बाद में हम लोगों ने चेंज कर लिया, और उसके बाद में रेडी होने के बाद में, क्योंकि अच्छे से सजना संवरना होता है आज के दिन, और पूरे श्रृंगार करके, पूरे 16 श्रृंगार करके माता के सामने पूजा करनी होती है। तो मैं भी बहुत अच्छे से तैयार हुई, मैंने लहंगा पहना है और अन्वेषा को भी बहुत अच्छे से तैयार किया है, उसने भी लहंगा पहना है, आपको बाद में दिखाऊंगी पूरा लुक। तो यहाँ पर मैंने माता को पंचामृत से स्नान करा दिया है, जो मैं मूर्तियाँ लेकर के आई थी, और स्थापना कर दी है, दिया जोत बत्ती सब जला ली है। उसके बाद में सबसे पहले चरण पूजन किया गया था माता का। यहाँ पर भोग में मैंने लगाया है जो खाना बनाया था वो, फल जो भी 5 फल होते हैं वो, मिठाइयाँ, और इसके अलावा खील खिलौने का प्रसाद का भोग भी लगाया जाता है। यहाँ पर कलश स्थापना की जाती है, अखंड दिए की स्थापना की जाती है, और रोली चंदन से और तिलक करने के बाद में कपूर की भी आरती की जाती है। मैंने यहाँ पर चरण स्थापना करके दीपावली की कथा होती है, कथा पढ़ी जाती है, उसके बाद में आरती की जाती है। तो पूरी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई, बहुत अच्छे से पूजा की, काफ़ी टाइम भी लगा लेकिन पूरी अच्छे से तैयारी हुई। और मैं आपको सच बताऊँ, पूजा करने के बाद में मन इतना खुश हो गया मेरा, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी मैंने शायद ही पहले कभी महसूस की होगी। अपने घर को देख करके, अपनी पूजा को देख करके, अपने मंदिर को देख करके बहुत ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं वो चीज़। हैप्पी दिवाली, जल्दी आओ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो अच्छे से पूजा करने के बाद में हुआ फोटो सेशन, और पूरे घर को मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि स्पेशल लिविंग रूम का टूर अलग आएगा और किचन का टूर अलग आएगा, उसके लिए तैयारी हो चुकी है, शूट भी हो गया है, लेकिन मैं आपके साथ में शेयर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर देखिए घर बाहर से कुछ इस तरीके से लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम लोगों ने पूजा की, उसके बाद में शगुन के लिए फुलझड़ियाँ जलाई, स्टेयर से जब भी हम ऊपर आते हैं तो एंट्रेंस पर आ जाती है मेरी ये रंगोली, और इस तरीके से मैंने यहाँ होम एंट्रेंस पर डेकोरेशन की है, आपके साथ में अभी शेयर किया था। नाइट व्यू कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैं ऊपर आई हूँ अन्वेषा का चेंज कराने के लिए क्योंकि उसने और भी फुलझड़ियाँ जलानी थी, लेकिन मुझे डर था कि उसके जो चिंगारी वगैरह ना लग जाए कपड़ों में, इस करके मैं उसके कपड़े चेंज कराने आई हूँ। क्या देख रही, आई आई छोटे बच्चे की तरह चिल्ला रही है।
दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा है आप सभी ने भी बहुत अच्छे से और धूमधाम से दिवाली मनाई होगी। आप सब बहुत खुश रहें, खूब तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आपके साथ में जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय, शुभ दीपावली।